चलिए तो बात अब रायपुर की कर लेते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और ये सत्र आरक्षण के मुद्दे पर रहने वाला है। आपको बता दें कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र होगा। सीएम बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत को प्रस्ताव भेज दिया है, 1 या 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया गया है। तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर अब छत्तीसगढ़ में भी कवायद शुरू हो गई है और आरक्षण के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव सीएम बघेल ने डॉक्टर महंत को भेज दिया है। विधानसभा अध्यक्ष को यह प्रस्ताव भेजा गया है, 1 या 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया गया है। आप देखना होगा कि विशेष सत्र रायपुर में और छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कब बुलाया जाता है और आरक्षण के मुद्दे पर किस तरीके की पहल यहाँ पर की जाती है। तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का सत्र, जो विशेष सत्र है, उसको लेकर सीएम बघेल ने पैरवी की है और सीएम बघेल ने ये विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत को एक प्रस्ताव भेजा है और इस प्रस्ताव में उन्होंने विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, जो 1 या 2 दिसंबर को बुलाने का आग्रह किया गया है। तो आपको बता दें कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र छत्तीसगढ़ में बुलाने की बात कही गई है। सीएम बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत को प्रस्ताव भेज दिया है, 1 या 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाने का आग्रह विधानसभा अध्यक्ष से सीएम बघेल ने किया। तो अब यह देखना होगा कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में किस तरीके की स्थितियां बनती नजर आएंगी, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे को लेकर खुद सीएम बघेल जो है वो अब सतर्क हुए हैं और उन्होंने विशेष सत्र बुलाने का आग्रह विधानसभा अध्यक्ष से किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है सीएम बघेल द्वारा, क्या कुछ अहम जानकारी और आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो ये सत्र बताया जा रहा है, किस तरीके से अहम माना जा रहा है? देखिए, आरक्षण को लेकर के खासतौर से आदिवासियों के जो आरक्षण है उसको लेकर के छत्तीसगढ़ में चाल मचा हुआ है। इसके साथ साथ जो राजनीतिक बयानबाजी है वो लगातार जारी है। इसके अलावा विधानसभा सत्र बुलाने के लिए डॉक्टर चरण दास मान जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनको प्रस्ताव भी भेजा है। निश्चित तौर पे जो 32% की जो आरक्षण थी उसको लेकर के जो कटौती हुई है उससे काफी ज्यादा आदिवासी जो समाज है वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं और कई तरीके से ठंडे भी अपना रहे हैं कि क्या इसका विरोध किस तरीके से किया जा सकता है, चाहे चक्का जाम को लेकर के हो, चाहे पुतला दहन की बात की जाए, चाहे धरना प्रदर्शन की बात की जाए, ऐसे तमाम जो सांकेतिक प्रदर्शन है उसको भी किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में एक ऐसी स्थिति भी निर्मित की जा रही है कि किसी भी सड़क से किसी व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाएगा। पूरा शहर बंद करने की जो योजना है वो आदिवासी समाज किया हुआ था, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आश्वासन दिया है कि जो 32% के आरक्षण है उसको लेकर के ही विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस मुद्दे को भी रखा जाएगा और भाजपा की जो अंशकालीन रहा है जो घोषणा की गई थी उसके तहत ही जो 32% का आरक्षण जो लुभावना आरक्षण दिया गया था उसके तहत किस तरीके से विधानसभा सत्र में इसका पाठ्यक्रम के अनुसार रखा जा सकता है, इसके तहत ही विधानसभा सत्र का आयोजन बुलाया गया है। और ये जो आयोजन है लगभग 1 से 2 दिसंबर के बीच में आयोजित किया जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। जी, इस विशेष सत्र में आरक्षण के मुद्दे को लेकर किस तरीके का जो प्रस्ताव है वो पेश हो सकता है या फिर किस तरीके की बातें रखी जा सकती है आरक्षण के मुद्दे को लेकर? देखिए, आदिवासी समाज को लेकर के जिस तरीके से बात निकल करके सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं आदिवासी समाज एक नया प्रस्ताव लेकर के और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात पहले ही आपको कहेगा इसको लेकर के ही जाएगा। लगातार जो समाज के संगठित जो लोग हैं, खासतौर से आदिवासी समाज के जो शीर्ष माने जाते हैं, उन नेताओं से ही चर्चा की गई है और इसको लेकर के ही विधानसभा सत्र के पटल पे रखने की जो तैयारी है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। तो निश्चित तौर पे 1 से 2 दिसंबर की जो विधानसभा सत्र है उसको लेकर के तैयारी की जा रही है। अभी बात ये भी सामने आ रही थी कि नौकरी और शिक्षा को लेकर एससी और ओबीसी का जो आरक्षण है, जो कोटा है, वो बढ़ाया गया था, तो क्या ऐसा ही कोई फैसला यहाँ पर लेने की संभावना नजर आती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो एससी और एसटी की जो संभावनाएं बताई जा रही है आरक्षण को लेकर के, जिस तरीके से
सड़कों से उतरने की जो तैयारी की जा रही है उसी के तर्ज पे और इस स्थिति को निर्मित ना बन पाए, ऐसी स्थिति ना हो, उत्पन्न हो, इसलिए ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विशेष सत्र का आयोजन किया है। और निश्चित तौर पर विधानसभा सत्र में एक नया निर्णायक फैसला भी लिया जाएगा जिसके तहत आदिवासी समाज को किस तरीके से संगठित भी किया जा सकता है और आने वाले चुनाव जो 2023 के चुनाव है उसमें किस तरीके से रणनीति बनाई जा सकती है इसके ऊपर भी खास फोकस किया जाएगा। क्योंकि तो लगातार आदिवासी समाज के जो शीर्ष नेता है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात भी कर रहे हैं और जो आरक्षण के जो मुद्दे हैं उसको बाकायदा उसके पटल पे रख रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक नया समाधान निकल करके सामने आएगा और निश्चित तौर पे आदिवासी जो समाज है उसको न्याय मिलने की जो तैयारी है वो भी बताई जा रही है। जी ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग, एक प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष को सीएम बघेल ने भेजा है जिसमें 1 या 2 दिसंबर को यह सत्र बुलाने की बात कही गई है।